हिमाचल प्रदेश के सोलन में शमशान घाट में पूजा की आड़ में तांत्रिक गुरु चेले ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दामकाड़ी कनाह के रहने वाले कथित तांत्रिक ज्ञान प्रकाश व चेले ज्ञानचंद को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक छानबीन में पता चला कि बेटे की बीमारी से परेशान महिला तांत्रिक के पास पहुंची थी। रविवार को तांत्रिक ने महिला को कहा कि शमशान घाट में पूजा करवानी होगी। पीड़िता को वहीं रुकने के लिए कहा गया। शाम के वक्त पूजा के बहाने महिला को गाड़ी में बिठाकर सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के नारग लेकर पहुंच गए। यहां कमरे में महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि पुलिस जब तांत्रिक को गिरफ्तार करने वहां पहुंची, उस समय भी कुछ लोग पूजा पाठ के लिए वहां पहुंचे हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालत में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उन्होंने बताया कि महिला को जिला सिरमौर के नारग में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। गौरतलब है कि गिरफ्तार तांत्रिकों के एक साथी के खिलाफ पहले भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पिछले कल 17 जुलाई को एक महिला पुलिस थाना सोलन में आई और उसने शिकायत की कि कनाह गांव के प्रकाश और कंडा घाट के ज्ञान प्रकाश, जो कि यहां तांत्रिक विद्या का काम करते हैं, वो उनके पास आई हुई थी। तो जब उसने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने उसको ये बताया कि इस महिला के साथ बहुत बुरा होने वाला है और इसका इलाज करने के लिए, इसका जो उद्धार है उसको करने के लिए इसको शमशान में रात को पूजा पाठ करनी होगी। उस बात पर इस महिला ने अपने पति से बात की तो पति ने ये कहते हुए कि एक दूसरी महिला भी साथ है, आप जा सकती हैं, डरने की कोई बात नहीं है। इनको, इस महिला को और दूसरी महिला को विश्वास में लेके इन दोनों तांत्रिकों ने इनको नारक की तरफ ले गए और वहाँ पूरी रात बंधक बनाए रखा और इसके साथ दुराचार किया। इसकी इस शिकायत पर पुलिस, महिला पुलिस थाना में FIR नंबर 30/19 सेक्शन 420 365 366 342 120B 376 2G के अंतर्गत एक हाँ जो FIR है वो लॉन्च की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है और कल इन दोनों तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया। आज इनको अदालत में पेश किया गया जहां पर इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और आगे का अन्वेषण जारी है। मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसे तांत्रिकों और ऐसे लोगों के चंगुल में ना